आज तो मुझे वीडियो बनाना है। हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? आशा करती हूँ कि आप लोग हर कोई अच्छे है, खुश है, घर पे सही सलामत है। मैं भी ठीक ही हूँ। सो वीडियो के टाइटल लाइन से आपको पता ही चल रहा होगा आज मैं क्या कंटेंट इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ। सो मेरे चैनल पे एक बहुत ही रिक्वेस्टेड एक टॉपिक था, वो है हाउस टूर। जब से मैंने घर ओपनिंग का वीडियो डाला है तब से मुझे बहुत किसी ने पूछा कि आपका घर का टूर करके दिखाइए। सो आज वही है। हम एक्चुअली लास्ट ईयर मतलब अक्टूबर 2021 में हम इस घर पे ओपनिंग करे थे। उस दौरान हमारा घर बहुत ही इनकम्प्लीट था, मतलब बहुत सारा चीज एक्चुअली नहीं हुआ था, लेकिन क्योंकि डेट वो बहुत ज्यादा अच्छा था तो हमने इसीलिए ओपनिंग कर रखा था। एंड उसके बाद हम शिफ्ट इस घर पे हुए हैं 2022 के मार्च में, होली के दौरान हम हुए थे यहाँ पे, हम शिफ्ट हुए थे। उसके बाद घर पे बहुत कुछ चेंजेस हुआ एंड अभी भी हो रहा है, मतलब कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है। अभी भी हमारा घर कम्प्लीटली कंस्ट्रक्ट नहीं हुआ है, जस्ट ग्राउंड फ्लोर ही कंस्ट्रक्ट हुआ है। सो मुझे लगा कि मैं जितना इसको डिले करूंगी ना, ये डिले होते ही जाएगा, क्योंकि घर का कंस्ट्रक्शन आपको पता है, आज ये कल वो ऐसा होते ही रहता है। सो आई थॉट जितना है जो भी है आज मैं वीडियो बना ही देती हूँ, तो आज यही है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो देखने के पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके साथ में जो बेल आइकॉन है उसे भी आप क्लिक कर दीजिए, ठीक है? तो चलिए मैं आपको मेरा घर दिखाती हूँ। सो ये है हमारा घर, जो कि हमारा सपनों का घर है आप कह सकते हैं। घर ओपनिंग में भी आपने मेरा घर देखा था एंड अभी तक बस ग्राउंड फ्लोर ही हुआ है एंड ऊपर में कंस्ट्रक्शन बाकी है। तो चलिए घर दिखाती हूँ मैं आपको। पहले तो मैं घर का नाम आपको बताती हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा स्पेशल है फॉर मी एंड माई फैमिली। सो घर का नाम है साई कृपा तृप्ति। ये बहुत बड़ा मीनिंग है मेरे लाइफ के लिए एंड मेरे पूरे परिवार के लिए एक्चुअली। तो एज यू ऑल नो, मैं साईं बाबा पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करती हूँ, मतलब मेरा लाइफ उन्हीं के भरोसे है। सो इसीलिए उन्हीं का कृपा है, मतलब साईं कृपा। एंड तृप्ति मेरी मम्मी का नाम है एंड जो नीचे दिया है वो मेरा हाउस नंबर है। मैं एड्रेस तो नहीं बताऊँगी, जस्ट हाउस नंबर बोल रही हूँ, ठीक है? तो ये है मेरा घर का नाम, जो बहुत 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 ज़्यादा स्पेशल है एंड मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये मैंने कस्टमाइज्ड बनवाया है एंड उसके साथ गणेशा जी का एक सिंबल है। अब आते हैं घर के एक कॉर्नर पे, जो कि बहुत ज़्यादा स्पेशल है फॉर माय ब्रदर स्पेशली। तो यहाँ पे हमने कुछ लॉन ग्रासेस लगवाए थे, जो कि हुआ नहीं लेकिन कुछ तो ग्रास हो गया है। सो ये हमारा एक लॉन बनने वाला है, अगर वो नहीं हुआ तो यहाँ पे हमने और भी बहुत कुछ सोचा है। एंड साथ में हमने यहाँ पे कुछ पौधे लगाए हैं जिसमें कि फूल भी आते हैं, हम उसे पूजा भी करते हैं। सो दिस इज़ सो स्पेशल, यू नो, कि घर के मतलब फूल से ही हम पूजा करते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं आपको छोटा सा एक टूर करवा देती हूँ हमारा गार्डन का। इसमें डिफरेंट ऑर्नामेंटल प्लांट है, कुछ फ्लावरिंग प्लांट है, तुलसी है और यहाँ पे दुर्बा भी है। दुर्बा भी हमें चाहिए होता है पूजा के लिए, सो वो भी हमें मिल जाता है यहाँ से। एंड कुछ ऐसा है, घर का नेम प्लेट के सामने हमने अपना गार्डन बनवाया है। ये घर का एक कॉर्नर है जो कि बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है मुझे, स्पेशली नाइट को जब हम लाइट सारा लगवा देते हैं तब तो और भी बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। अब इस कॉर्नर से अगर इस कॉर्नर पे आए, ये हमारा पार्किंग एरिया है, यहाँ पे हम एक हमारा बाइक खड़ी होती है, साथ में अगर हमने कार कभी ले लिया फ्यूचर में तो वो भी यहाँ पे आ जाएगी एंड भगवान का कृपा रहा तो वो भी हो जाएगा। इस साइड पे भी हम कुछ कुछ प्लांट्स लगवाने का सोच रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा क्लीन नहीं है बिकॉज दूसरे वाले घर से कंस्ट्रक्शन के कारण यहाँ पे गंदगी आ जाता है, तो इसलिए इस जगह थोड़ा सा अभी मतलब आपको डस्ट दिखेगा, लेकिन फिर भी हम जितना हो सके हम क्लीन रखने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हमने कुछ कुछ वेजिटेबल का प्लांट लगवाया है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो बैगन लगा है, 3 बैगन भी आ गया है एंड इसको कल हम तोड़ने वाले हैं एंड उसका हम सब्जी बनाने वाले हैं। तो ये है, ये देखिए पार्किंग के यहीं पे हमारा पानी का टंकी भी है, तो यहीं पे आके वाटर स्टोरेज सारा होता है। एंड अभी भी शूरैक घर पे बना नहीं है, तो इसीलिए जो बाहर में मतलब यूजुअली हम पहन के जाते हैं वो बाहर ही रख देते हैं एंड कुछ कुछ अंदर हम रख रहे हैं। घर का एंट्री पे हमने एक यहाँ पे एक ये लगवाया है, ये एक झूमर ही है। ये हमें हाउस ओपनिंग में हमारे एक जीजा जी है मिताली के, जो हस्बैंड है, उन्होंने गिफ्ट किया था और साथ में यहाँ पे
गणेशा जी भी बैठे हुए हैं, कोई भी आता है तो गणेशा जी को पहले नमन करते हैं, तो ये है। और साथ में फ्लैग ये भी भाई ने लाया था मेनलैंड से, तो वो भी लगाया गया है। देखिए ये हमारा मेन डोर है और इसका जो डिज़ाइन है ये काफ़ी यूनिक है। अब घर पे एंट्री लेंगे, एंट्री के लेफ्ट साइड में है हमारा प्यारा मंदिर। ये मंदिर का जो डोर है इसका आइडिया मेरा और मेरा छोटे भाई का है, बहुत ही प्यारा है। जैसे आप मंदिर के लेफ्ट साइड में देखेंगे यहाँ पे बुद्धा जी बैठे हुए हैं और इसे मैं कहती हूँ जेन कॉर्नर ऑफ माय हाउस। ये एक बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट प्रोजेक्ट है। ये जो आप लकड़ी देख रहे हैं ना, ये एक सिंपल ऑर्डिनरी सा एक लकड़ी था, इसे हमने एक स्टूल का शेप में बना दिया है एंड यहाँ पे हमने बुद्धा जी को बैठाए हैं। और यहाँ पे एक वुडन एक बाउल के ऊपर कुछ मार्बल्स और शेल्स रखे हुए हैं, कभी कभी हम इसमें फ्लावर्स भी रख देते हैं, तो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिविटी आती है उस कॉर्नर को देखने से। तो ये है जेन कॉर्नर, मुझे पर्सनली ये कॉर्नर बहुत ज्यादा पसंद है। मंदिर के राइट साइड में यहाँ पे हमने धूप स्टैंड लगवाया है, हमको स्पेशली जब इसमें धूप लगता है ना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। इस विंडो से एक्चुअली बहुत अच्छी लाइट आती है घर पे। एक्चुअली दिन के दौरान हमारे घर में लाइट जलाने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज एनफ विंडो हमने, बड़े बड़े विंडो हमने बनाए हैं। एंड अगर आप देखेंगे हमने विंडो में कोई भी ग्रिल नहीं बैठाया है, तो इसीलिए काफी ओपन लगता है ये। अब मेन जो अट्रैक्टिव कॉर्नर है मेरे घर का, वो मुझे मेरा मंदिर लगता है। सो ये हमारा मंदिर जहाँ पे कि साईं बाबा जी बैठे हुए हैं एंड यहाँ पे हमारे गृह देवता भी है। तो यहाँ पे मम्मी पूजा करती है हर दिन, कभी मैं करती हूँ कभी नानी करती है। एंड यहाँ पे भगवान के चीज रखने के लिए शेल्फ है। यहाँ पे भी इस साइड पे भी बहुत सारा एनफ स्पेस है फॉर पूजा। और यहाँ पे दो से तीन लोग आराम से बैठ के पूजा कर सकते हैं, तो यही है। यहाँ पे जो आप साईं बाबा देख रहे हैं ना, इनको हमने शिरडी से लाया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि साईं बाबा जी ही बैठे हुए हैं घर पे ऐसा रियल में, तो बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी आती है उनसे। तो मंदिर देखने के बाद अभी मैं आपको दिखाती हूँ हमारे घर का पहला रूम। तो मंदिर से निकलते हुए ही यहाँ पे एक बेडरूम है, ये बेडरूम एक्चुअली मेरे नानी का है। पहले मैं इस रूम का दिखाना चाहती हूँ, मेरे नाना नानी का पिक्चर। तो एक सिंगल पिक्चर है जिसमें कि मेरे नाना नानी इकट्ठे बैठे हुए हैं, और अगर आप गौर से देखोगे ना तो इसमें नानी ने सिंदूर लगवाया है। ये रूम पे ज्यादा फर्नीचर नहीं है, हमने इतना ज्यादा फर्नीचर से कंजस्टेड नहीं किया है रूम को। ये रूम पे ना यहाँ पे बस एक आलना है, इसमें एक्चुअली कपड़े हम टांगते हैं, एक बंगाली घर में एक्चुअली मोस्टली पाया जाता है, मतलब रखा जाता है। साथ में एक बेड है, ये बेड बहुत पुराना है और ये जो वुड है ना ये अंडमान का बेस्ट वुड है जिसका नाम है पड़ा। साथ में वहाँ पे एक चेयर है, इसमें कोई नहीं बैठता है ऑनेस्टली, और वहाँ पे प्रेस रखा हुआ है। यहाँ पे एक्चुअली मेरी नानी और मेरे बड़े भाई सोते हैं। बड़ा भाई का अब तक रूम बना नहीं है, सो इसलिए नानी के साथ बड़ा भाई सो जाता है। अभी हमारा घर का कंस्ट्रक्शन पूरा नहीं हुआ है, जैसे मैंने आपको बोला हमारे घर में आपको ब्लैंकेट नहीं मिलेगा क्योंकि हम ब्लैंकेट यूज नहीं करते, हम काठा यूज करते हैं। सो अभी मुझे काठा नहीं मिल रहा, बाद में दिखाती हूँ काठा कौन सा है। और बेड के ठीक साइड में हमने एक बेड साइड रनर रखा है क्योंकि ये जो टाइल्स है ना थोड़ा स्लिपरी है, और क्योंकि नानी मतलब एजेड है सो उनके लिए हमने एनफ मतलब रनर रख दिया है ताकि कुछ भी अड़चन ना आए उनको। रूम के ठीक इस कॉर्नर पे एक विंडो है अगेन फॉर एनफ वेंटिलेशन एंड लाइट। सो ये कुछ ऐसा है। और अगर आपने मेरा गृह प्रवेश का वीडियो देखा है तो आपको याद होगा यहीं पे पूजा हुआ था। यहाँ पे एक टी टेबल रखा हुआ है, टी टेबल एक्चुअली बहुत पुराना है, मतलब जब छोटी थी ना तब का, ये भी पटाख का बना हुआ है। अब इस टी टेबल को हम यूज करते हैं टू कीप माय नानीज मेडिसिन एंड ऑल, और कुछ बुक्स जो नानी पढ़ती रहती है, इनहेलर मतलब वही नानी का ही स्टफ्स यहाँ पे रहता है। यहाँ पे एक विंडो है जिसकी एनफ वेंटिलेशन एंड लाइट आती है रूम के अंदर। एक्चुअली हमें लाइट मतलब जो ट्यूबलाइट है इसे जलाने की कोई जरूरत नहीं पड़ता क्योंकि अभी शाम हो रहा है तो मैंने जला दिया है। आई विल शो यू विदाउट ट्यूबलाइट आर्टिफिशियल लाइट एक्चुअली रूम में लाइट कितनी आती है, तो अभी लाइट जला देती हूँ। यहाँ से हमारा घर का पीछे का जो व्यू है ये बहुत अच्छे से दिखता है और ये बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। मतलब मेरे घर में जो भी लोग विजिट करने आते हैं ना वो हर कोई मुझे यही बोलते हैं कि तुम्हारे घर से बहुत अच्छा व्यू है, दिस इज ट्रूली रिलैक्सिंग फॉर आईज। अब यहाँ से अगर आप इस साइड पे आए तो ये एक लग्जेरियस वॉशरूम है जो कि मेरे छोटे भाई का प्लानिंग है एक्चुअली, तो मैं आपको दिखाती हूँ ये। और इस वॉशरूम पे नल है, हैंड शावर है, शावर है, गीजर है, मतलब
जो एक वॉशरूम में होता है वो सब है, साथ में एक वॉश बेसिन है, यहाँ पे एक मिरर है, यहाँ पे टॉवल हैंगर है। तो यही है, ये मेरे छोटे भाई का प्लानिंग था ब्लैक करना। ये बहुत ज्यादा अच्छा लगता है एक्चुअली ये कलर, एक्चुअली ये वॉशरूम के लिए। और यहाँ पे मोस्टली जो प्रोडक्ट है वो सारे मेरे हैं। तो ये है कुछ इस रूम का वॉशरूम। रूम के यहाँ पे एक अलमीरा रखा हुआ है, ये हर एक बंगाली घर में होता है, मैं बोल रही हूँ हर एक बंगाली घर में ऐसा एक अलमीरा तो होगा ही होगा। तो यही है। सो इस रूम में ज्यादा कुछ नहीं है, रूम पे इतना ही कुछ है बस। सो मेन डोर के अंदर जैसे आप आओगे, यहाँ पे हमारा हॉल है, यहाँ पे मेरी नानी बैठी हुई है। नानी सबको हाय बोलो। तो ये हॉल में ये सोफा रखा हुआ है, हमने ज्यादा यहाँ पे फर्नीचर रखा नहीं है बिकॉज हम स्टफ नहीं करना चाहते फर्नीचर। और सोफा भी हमारा पुराना जो सोफा था उसी को हमने कस्टमाइज किया है। एंड यहाँ पे एक टीपॉय नया हमने बनाया है, और ये कलीन हमने नया लिया है एक्चुअली। और यहाँ ये हमारा टीवी वॉल है, टीवी वॉल का जो कलर है, और ये कलर मुझे और मेरे छोटे भाई को एक्चुअली बहुत ज़्यादा पसंद आया। एंड हर किसी ने तारीफ भी किया बाद में कि दिस कलर इज एक्चुअली सूटिंग आवर होम। तो और इस कॉर्नर पे हमने कुछ कुछ भगवान का मूर्ति और डेकोर स्टफ्स रखा है। वो जो छोटा भीम आप देख रहे हो ना, ये मुझे मेरे कलीग थी नवीना, उसने गिफ्ट किया है। टीवी के नीचे एक और एक टीपॉय है, इसमें हमने सारा इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो भी सारा चीज़ है ये रखा है। और अब मैं आपको हमारा घर का सीलिंग आपको मैं दिखाती हूँ। और हमारा जो विंडो है एक एक रूम मतलब हॉल का, ये भी काफी बड़ा सा है जिससे कि इनफ वेंटिलेशन एंड लाइट आते रहती है। अब हॉल के अगर दूसरे कॉर्नर पे जाए तो ये हमारा डाइनिंग एरिया है। ये डाइनिंग टेबल कम्प्लीटली मेरे चॉइस का बना है। ये एक कॉर्नर पे बेंच सिस्टम चाहिए था एंड अब वैसा ही मुझे मिल गया था। ये हमने कस्टमाइज तो नहीं बोलूँगी, उनके पास बना ही था, लेकिन थोड़ा बहुत चेंजेस हमने किया है, जैसे ग्लास बिठाया है ये सब। ये सिक्स सीटर डाइनिंग टेबल है एंड इसमें भी जो आप शेल्स और पत्थर देख रहे हैं ये भी हमारा खुद का कलेक्शन है। तो अब मैं आपको ना विंडो से कैसा व्यू आता है ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये कुछ ऐसा है हमारे नेबरहुड, एंड जो मैंने आपको गार्डन दिखाया था उसका भी बहुत ब्यूटीफुल व्यू यहाँ से आती रहती है। भाई जब 12th में बहुत अच्छा रिजल्ट किया था तो उसको अवार्ड मिला था, उसी का फोटो है, साथ में उसका अवार्ड भी यहाँ पे है। तो यही है। सो ये हमारा डाइनिंग एरिया, डाइनिंग एरिया के साइड पे एक वॉश बेसिन है जो कि टेबल टॉप है एंड यहाँ पे हूँ मैं। तो यहाँ पे उगाऊ से मैंने कुछ प्लांट्स मंगवाया था, तो ये है कुछ ऐसा। और यहाँ से हमारा घर दिखता है कुछ ऐसा। तो ये काफ़ी बड़ी सी हॉल है, मतलब बहुत सारे लोग आके बैठ सकते हैं, काफ़ी इनफ स्पेस है हॉल में। और हॉल में क्योंकि मैंने आपको बोला हमने ज़्यादा फर्नीचर स्टफ नहीं किया है, तो हमें ऐसा ही पर्सनली एक्चुअली अच्छा लगता है। हॉल के ठीक राइट साइड में है हमारा मास्टर बेडरूम, तो ये कुछ है ऐसा। इसमें भी आपको दिख जाएगी बड़ी बड़ी खिड़की, और खिड़की से ब्यूटीफुल नज़ारा जो कि मैं मेरे इंस्टाग्राम यूट्यूब में आपको दिखाते रहती हूँ, पहले भी मैंने आपको दिखाया है। एंड आप अगर एक चीज़ नोटिस करोगे तो हर एक रूम का जो पर्दा का कलर है ये भी डिफरेंट है, एंड ये भी चॉइस किया है बाय योर्स ट्रूली तनु। तो ये भी जो रूम है ये मेरी मम्मी का रूम है, अभी भी दूसरा रूम बना नहीं है मेरे लिए, तो यहाँ पे मैं और मम्मी अभी सोते हैं, लेकिन ये रूम मम्मी के लिए है। एंड मैं अभी आपको ये रूम का मतलब सारा टूर करवाती हूँ। तो ये रूम पे आपको पहले तो दिख जाएगा एक बेड एंड एक बेड साइड रनर, क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला कि यहाँ पे थोड़ा सा स्लिपरी हो जाता है तो इसलिए। एंड यहाँ पे एक स्टूल है जो कि अगेन पटाका बना है, और बहुत मतलब मैं जब छोटी थी तब बना है, अभी तक वो है पटाके, एक वन ऑफ द बेस्ट वुड है। एंड यहाँ पे एक खिड़की है दो पल्ले का और यहाँ पे एक पल्ले का ये। तो सुबह उठ के पहले तो मैं इस नज़ारे को देख के प्रेयर करती हूँ, तो माइंड एकदम पॉजिटिव होता है। अब आते हैं इस कॉर्नर पे, यहाँ पे वार्डरोब है, इस कॉर्नर पे मेरे ही कपड़े हैं और
इस कॉर्नर पे सबके कपड़े हैं, तो मेरे कपड़े ज़्यादा है। और ये वार्डरोब कुछ है ऐसा, वहाँ पे एक अलग से एक सूटकेस रखा हुआ है। यहाँ पे है मेरा कॉर्नर, ये है मेरा ड्रेसिंग टेबल जो कि अगेन मेरा पर्टिकुलर फेवरेट है। एंड ये ड्रेसिंग टेबल का टूर अभी मैं आपको नहीं करवाऊंगी, लेकिन मैं दूर से आपको एक बार ड्रेसिंग टेबल दिखा देती हूँ। ड्रेसिंग टेबल कुछ है ऐसा, वहाँ पे जो ब्रांड से प्रोडक्ट आते हैं मैं वहाँ पे रख देती हूँ, बाद में मैं रिव्यू करती हूँ। एंड ये ड्रेसिंग टेबल में स्टोरेज काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि मुझे बहुत सारा प्रोडक्ट रखना होता है, तो इसीलिए ये जो मिरर है इसके पीछे बहुत सारा प्रोडक्ट है जो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी कभी। और एक चीज़ आपको मैं दिखाती हूँ, ये गिफ्ट जो कि मेरे भाई ने मुझे दिया है राखी में, तो एक शेल है, मतलब बड़ा सा एक शेल है, ये देखिए, तो उसने मुझे राखी में एक्चुअली गिफ्ट किया है। एंड रूम के इस कॉर्नर पे है वॉशरूम, सो ये वॉशरूम में बहुत सारे एलिमेंट मैंने डाला है, जैसे कि दिस वन। क्यों? क्योंकि मुझे वीडियो बनाना होता है हेयर रिलेटेड, हेयर वॉश, तो मैं खुद को तब देखती हूँ कि मैं सही लग रही हूँ या नहीं, तो इसलिए यहाँ पे एक बड़ा सा एक मिरर रखा हुआ है। यहाँ पे वॉश मशीन है और ये सब जो बेसिक चीज़ है वो है। यहाँ पे गीज़र नहीं लगा है, तो गीज़र धीरे धीरे इसमें भी लग जाएगा, अभी तक नहीं लगा है। एक ही रूम पे गीज़र रखा है क्योंकि वो नानी का रूम है, इसलिए यहाँ पे जो भी सारे चीज़ प्रोडक्ट है ये सारे मेरे हैं, सारे सारे सारे। सो यही है, ये रूम पे ज़्यादा तो कुछ है नहीं, मतलब हमने मिनिमम फर्नीचर हर एक रूम पे रखा है। ये यहाँ पे एक वे मशीन है क्योंकि मुझे अपना वेट देखना होता है कभी कभी, कभी कभी नहीं, मैं मोस्टली हर दिन ही उठ के मैं अपना वेट देखती हूँ। सो ये रूम है कुछ ऐसा, और ये रहा मम्मी का रूम। अब ये रूम से निकलते हुए ही यहाँ पे एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा कैलेंडर, नहीं कैलेंडर हर घर में होता है, लेकिन इसके साथ में यहाँ पे एक पेंटिंग है जो कि बड़े भाई के दोस्त ने बनाया है। ये उत्तरा जट्टी का फोटो है और बहुत बहुत खूबसूरत उन्होंने बनाया है, बहुत खूबसूरत है। तो पेंटिंग होने के बाद ही यहाँ पे आता है हमारा मम्मी का ढाबा, यानी हमारा किचन। सो ये हमारा किचन है जो कि अगेन मैं बोलूँगी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, अपना घर सबको पसंद आता है यार। तो किचन में क्या क्या रखा हुआ है, गैस, गैस हम सोच रहे थे जो स्टोव टॉप है वैसा लेंगे, लेकिन अभी तक उतने पैसे हम सेव नहीं कर पाए कि वो ले, धीरे धीरे ले लेंगे। यहाँ पे चिमनी है, तो किचन में जो भी सारे आपको डिफरेंट चीज लगेगा ना, ये सब मैंने लिया है, मतलब मेरे चॉइस से लिया गया है। ये मैंने अभी रिसेंटली लिया है डीआईवाई बनाने के लिए, और घर पे भी कभी कभी चाहिए होता है उसके लिए। देन ये ऑयल डिस्पेंसर मैंने अभी रिसेंटली 4-5 महीने पहले लिया है। ताला का डब्बा, तो ये भी मेरा पर्सनली फेवरेट है, रणबीर प्रार के पास है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी एक ले लूँ। तो मैं ऐसा कुछ ना कुछ थोड़ा सा डिफरेंट यूनिक अगर मुझे दिख जाता है तो मैं ले लेती हूँ एंड अपने किचन में ऐड करती हुए रहती हूँ। तो ये है, यहाँ पे शेल्फ बने हुए हैं। मैं अभी किचन का पूरा टूर तो आपको नहीं करा रही हूँ, बस आपको दिखा रही हूँ कि क्या क्या है। यहाँ पे भी सारे शेल्फ्स है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट चीज रखने के लिए, जैसे ग्लास, प्लेट्स, चम्मच, कप, सब रखने के लिए। यहाँ पे है आरओ, यहाँ पे है वॉश बेसिन जिसमें कि हमने 2 कंपार्टमेंट बनाया है। एंड यहाँ पे है हमारा पीछे का दरवाजा, मतलब किचन का दरवाजा, तो यहाँ पे हम बर्तन धो के यहीं पे हम रख देते, जब वो सूख जाता तो घर के अंदर ले लेते हैं। यहाँ पे हमने कुछ कुछ प्लांट्स लगाया है, जैसे कद्दू का प्लांट लगवाया है, इसमें फूल भी आ गया है, कद्दू भी लग गया है, मैं आपको दिखाती हूँ। किचन के आसपास हमने बहुत सारा ऐसा लगवाया है, एक्चुअली नॉट ओनली कद्दू, पीछे भी कुछ कुछ है, जैसे मिर्ची है और भी तुरई वुरई कुछ कुछ तो है। तो अभी तक तो ऐसा कुछ फल नहीं आया एक्सेप्ट कद्दू एंड मिर्ची छोड़ के। और यहाँ पे सरसों का भी देखो फूल लग गया है, आपको दिख रहा होगा, तो यही है। और अगर इस साइड पे अगर आप चले आओ तो यहाँ पे हमारा फ्रिज है, पुराना ही फ्रिज है। यहाँ पे हमने चॉपर बोर्ड और साथ में एक ट्रे रख दिया है। एंड ये जो एरिया है ना, ये भी हमारा, मतलब ये बड़े भाई का प्लान था एक्चुअली, तो इस एरिया से एक्चुअली पास होता है, जो भी हम खाना बनाते हैं तो यहाँ पे रख देते हैं एंड यहाँ से डाइनिंग टेबल के ऊपर चले जाता है। तो ये एक्चुअली इज़ अ कनेक्शन बिटवीन डाइनिंग टेबल एंड किचन, तो यही है। अब यहाँ से हम जाएंगे ऊपर, ये सीढ़ी का जो नीचे का पोर्शन है इसे अभी तक हम कंस्ट्रक्ट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे भी हमारा प्लान है कुछ 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 करने का, जो कि कुछ दिन में बन जाएगा। एंड अभी हम जाएंगे ऊपर, हमारा डुप्लेक्स हाउस का एक्चुअली प्लान है, तो ऊपर
जाने के लिए आपको यहाँ पे और एक खिड़की मिल जाएगी। मैंने कहा ना, हमारे घर में हर एक खिड़की बहुत बड़ा सा बना है, हवा और लाइट आते रहती है। लाइट का कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है, मतलब टिल 5:30 ना लाइट का कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ता। चलिए अब जाते हैं ऊपर। यहाँ पे एक स्टैचू रखा है, ये भी हमें हाउस ओपनिंग में गिफ्ट दिया था, हम जहाँ पे गोल घर में जिनके घर में हम रेंट पे रहते थे वो आंटी और अंकल ने। और यहाँ पे मेरे बड़े भाई का और छोटे भाई का और मम्मी का कुछ कुछ अवार्ड रखा है, एक्सेप्ट मी सबका अवार्ड यहाँ पे है। एंड यहाँ पे एक पेंटिंग जो कि भाई ने अगेन अपने एक दोस्त से बनवाया है। और यहाँ पे कुछ 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 अगेन अवार्ड एंड छोटे मोटे चीज़ जैसे ये होम डेकोर्स। ठीक है, अब यहाँ से अगर आप ऊपर जाओ तो मेरा ऑफिस रूम आपको मिलेगा। ऑफिस रूम दिखाने के पहले मैं आपको दिखाती हूँ ऊपर का जो झूमर भी नहीं बोलूँगी, लाइट है ये बहुत अच्छा लगता है मुझे। ये भाई ने चेन्नई से मंगवाया है तो ये काफ़ी प्यारा है। अब यहाँ से जाएंगे रूम में। ये जो एरिया है ये एक्चुअली स्टोरेज एरिया है, तो कोई भी घर का जो पुराना सामान है ये हम यहीं पर रख देते हैं। इस पोर्शन के ऊपर जो पोर्शन है ना, ये अभी तक फुल्ली कंस्ट्रक्ट नहीं हुआ है, ये बस एक रूम बना है। ये रूम बहुत ही हड़बड़ी में बना है और इसका बनाने का रीज़न वाज मी, वाई बिकॉज मुझे ऑफिस रूम चाहिए था जिसमें कि मुझे कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो। इसीलिए फ्लोरिंग आप देख सकते हो जस्ट नॉर्मल है, टाइल्स वाइल्स अभी तक नहीं लगा है। और हमारा घर का जो दीवान है वो यहाँ पे बस रखा हुआ है और कुछ भी नहीं है। और यहाँ से यहाँ पे मेरा वर्क स्पेस है, यहाँ पे बैठ के मैं काम करती हूँ। और यहाँ पे खिड़की है और यहाँ पे मैं वीडियो भी शूट करती हूँ। तो इस यहाँ पे रिंग लाइट, ट्राइपॉड, योगा मैट, मतलब जो मेरा जो पर्सनल काम के लिए जो सारे चीज़ है वो सारे यहाँ पे रखा हुआ है। साथ में एक एक्स्ट्रा टेबल है, वो उस पर मैं मतलब मोस्टली मेरे जो ब्रांड से प्रोडक्ट आते हैं या फिर सोचो छोटे भाई को कुछ पढ़ाई करना है वो भी वहाँ पे रख देता है। तो ये एक्चुअली मल्टीपर्पज़ टेबल है आप कह सकते हो। और इस रूम का जो दीवार का कलर है ये येलो इसलिए रखा है क्योंकि वीडियो में उभर के आता है, तो अगर मुझे कुछ भी वीडियो शूट करना है तो मैं यहीं पे बैठ के वीडियो शूट कर लेती हूँ। मैं ऑनेस्टली बोलूँगी अब तक ये वॉल उतना यूज़ नहीं हुआ है जितना मैंने सोचा है, क्योंकि मैं थोड़ा सा यूट्यूब से ब्रेक ली थी, लेकिन धीरे धीरे आ जाऊँगी। यहाँ पे एक दीवान है जिसमें बहुत ज़्यादा स्टोरेज है अंदर में, तो एक सिंपल सा दीवान है। अब यहाँ से एक दरवाज़ा है जिससे कि हम बाद में इसको हम एज वॉशरूम बनाएंगे, तो अब तक ये बना नहीं है। तो यहाँ पे हमने कुछ फूल पेड़ ये सब रख दिया है, मतलब पौधे कुछ, तो यही है और कुछ नहीं। और ये ओपन करने से काफ़ी अच्छा हवा आ जाता है और साथ में बहुत अच्छा लाइट भी आ जाती है इस रूम पे। तो ये रूम कुछ ऐसा है। यहाँ से निकलते हुए हमारा छत है। छत मैं अभी आपको दिखा नहीं पाऊँगी बिकॉज द कंडीशन ऑफ छत इज़ नॉट गुड ड्यू टू माई डॉग्स, लेकिन छत से जो व्यू है वो कुछ ऐसा है। क्योंकि अभी शाम होते हुए आया है सो इसीलिए थोड़ा बहुत अंधेरा आ गया है, अदरवाइज ये बहुत खूबसूरत है। कॉर्नर पे कुछ कुछ सामान जो कि कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ होता है वो रखा हुआ है। और यहाँ पे भी हमने कुछ पौधे एक्चुअली रखा है जो कि बड़ा भाई ने ज़्यादातर रखा हुआ है। उस ऊपर का छत और मैं आपको नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि उसमें कुछ है ही नहीं एक्सेप्ट आवर वाटर टैंक, तो नहीं दिखा रही हूँ मैं। इतना ही था मेरा घर का टूर। तो मेरा घर मैंने जैसे आपको बोला है कम्प्लीटली बनानी है, तो इसीलिए मैंने ऊपर में छत एंड छत में मतलब जो और एक छत है जिसमें कि एक ही रूम बना है उसमें भी मैंने आपको दिखाया नहीं है ज़्यादा। सो वो जब बन जाएगा तो उसका भी टूर कराऊंगी। एंड ये एक डॉक्यूमेंटेशन भी होगा मेरे घर का, जो मेरे फ्यूचर जनरेशन होंगे मेरे वो सब ये वीडियो देखेंगे और सोचेंगे अरे साई कृपा तृप्ति पहले ऐसा दिखता था। तो मॉडिफिकेशन आई डोंट नो फ्यूचर में कितना हो क्या ना हो, लेकिन ये घर हमारे लिए स्पेशल है बिकॉज दिस इज़ आवर फर्स्ट होम टुगेदर जो कि हमने मेहनत और साथ में प्यार से बनाया है ना। तो आई होप आपको मेरा ये घर अच्छा लगा होगा। एंड प्लीज़ मेरे घर के लिए बहुत सारा दुआ भेजिए कि इस घर में जो भी सारे लोग रहते हैं एंड जो भी सारे लोग रहने आएंगे इन फ्यूचर सब अच्छे से रहे एंड सब स्वस्थ रहे। तो मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। आशा करती हूँ कि मेरा घर आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट करके बताइए आपका फेवरेट कॉर्नर आपको कौन सा लगा। मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो पे विद ए न्यू टॉपिक। टिल देन खुश रहिए, सुरक्षित रहिए एंड एंजॉय करिए लाइफ को। बाय बाय, टेक केयर।